ये देखिए, ये हम आ गए हैं जंगल सफारी के लिए और ये वहाँ का बाहर का गेट है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे बसेस फ्री लाती हैं, लेकिन हमें ऑटो वाला ही ले आया, उसको बस स्टैंड तक बोला था लेकिन वो हमें जंगल सफारी तक ले आया है फ्री में। वन विभाग, गुजरात राज्य और जंगल सफारी, आप सामने देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे टिकट मिलता है, लेकिन हमने टिकट ऑलरेडी ले लिया है, तो अभी अंदर घुसते हैं। अंदर से हमें किसी गाड़ी को लेना पड़ेगा और वो ले जाती है अंदर। बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्यू में लगे हुए हैं हम। अंदर जाके देखते हैं, मोबाइल भी गर्म हो रहा है। ये एक फैमिली जा रही है जो आप पिंक ड्रेस में देख रहे हैं, उन सभी ने, आप देखिए, एक तरह की ड्रेस पहन रखी है ताकि वो गुम ना हो जाए, और सभी एक जैसा फ्रॉक पहन के रखा है उन्होंने पिंक कलर का। वहाँ वो इकट्ठी हुई हैं, ये देखिए, ये देखिए, वो सारे पिंक ड्रेस वाले चले जा रहे हैं। ये देखिए, ये है अबोड ऑफ कार्निवोर्स, मतलब यहाँ हमें शेर, चीते और बाघ सारा कुछ मिलेगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। देखिए फ़ोटो भी बने हुए हैं, और उसके बाद हमें शायद इधर से ही कार्ट मिलने वाली है जो थोड़ा घुमाएगी, क्योंकि जितना लंबा ट्रेल है वो घूमना इस धूप में तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ी छाया रहती, थोड़ी हवा ठंडी रहती, और आइडिया नहीं था कि दिसंबर में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, वो भी एंड ऑफ दिसंबर, जबकि सुबह शाम टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, बिल्कुल आसमान ज़मीन का अंतर होता है। वो देखिए, ये वहाँ पे लेपर्ड सोया हुआ है। वैसे तो हम गिर में खुले लायन को देख के आ रहे हैं, और इस तरह से लेपर्ड को बम देख के थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये लोग फ्री मूवमेंट वाले एनिमल्स हैं। इतने छोटी सी जगह में इनको बंद रखना पता नहीं कितने हद तक सही है। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, ये वाइट लायन कमिंग सून है, उधर जैगुआर कमिंग सून है। तो अभी सब कमिंग सून है, ये सब खाली एनक्लोजर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कमिंग सून, व्हेन विल दे कम। ये देखिए, ये इतने सारे कार्ट हैं, ये सारे कार्ट हैं, लेकिन हमें लाइन लगाना है और लाइन से ही कार्ट मिलेगा, तो हम जा रहे हैं लाइन में पीछे लगने। एक एक करके बिठाएंगे वो जैसे ही अपना नंबर आएगा। चलो, ये एक तरह से अच्छा सिस्टम है, भागा दौड़ी नहीं है, लाइन से चलना है। तो ये है कार्ट की लाइन और ये है लोगों की लाइन। ये देखिए, एक और ग्रुप दिख रहा है, लाइन दिख रही है, गाड़ियां लगती जा रही हैं। अच्छी गाड़ी है, मैं समझ सकती हूँ, 3, 6, 9, 12 और 13 सीटर है एक बार में, और बहुत सारी गाड़ियां पीछे से भी आ रही हैं। गाड़ी में बैठ गए सफारी देखने के लिए, ज़्यादा चलने की ताकत नहीं है। और ये सफारी कहाँ तक ले जाते हैं गाड़ी से देखते हैं। ये वर्टिकल गार्डन लगाया हुआ है सुंदर सा, यहाँ भी कुछ देखने का है, सब कुछ एनक्लोजर में है। जंगल सफारी से ज़्यादा जू सफारी है, सब कुछ एनक्लोजर में है यहाँ पे। और नहीं तो जंगल है बस। हम तो जंगल वाले ही हैं, सारा कुछ खुला देखने की आदत है सभी जानवरों को। आप देखिए यहाँ का ट्रेन, देखिए
राइनोसरस का है, राइनोसरस दिख नहीं रहा अंदर, गर्मी में अंदर होगा जो ऊपर कहाँ, वो ऊपर है, ये देखिए राइनोसरस दो दिख रहे हैं, देखिए ये गौर का एनक्लोजर, भारतीय गौर, कुछ नहीं दिख रहा है। जब गाड़ी चला रहे तो हेज लगाने का कोई जरूरत पीछे पीछे एक है और ऊंची पहाड़ी पे चढ़ा है। गाड़ी वाले ने तो भाई उतार दिया, अब हमें इंडियन एवियरी में जाना है और फिर वो कह रहे हैं कि इसका एग्जिट जाइए, उसके एग्जिट पे आपको दूसरी गाड़ी मिलेगी। तो चलिए इन्हें भी देख लें, चिड़िया को भी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये कंक्रीट वेस्ट डंपिंग ग्राउंड था, उसके बाद इसे केवड़िया जंगल सफारी में कन्वर्ट किया गया, इसीलिए हमें यहाँ पे ग्रीनरी खूब मिल रही है और जो जानवर भी मिल रहे हैं वो खुले में नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये डेवलप्ड है। चलिए ये देखिए, ये है क्या, क्या नाम है इसका, सारस क्रेन, ये है सारस क्रेन। देखो भाई इधर थोड़ा खाना छोड़ के, वो खाने में मगन है, खाना ऐसी ही चीज़ है। ऊपर चिड़िया है जो कि मोबाइल से उत्तर ही दिखला सकते, यहाँ देखिए यहाँ स्टॉक है, पेंटेड स्टॉक, हमारे पतिदेव जानकार है वो बता रहे हैं। यहाँ पे सारस क्रेन लिखा है जो कि पहले हम देख चुके हैं, अभी जो देखा हमने खाना खाते हुए, और ये है स्टॉक, पेंटेड स्टॉक। और यहाँ क्या दिखा रहे हैं, नाइट हिरन, नाइट हिरन तो दिख नहीं रहा कहीं, नाइट हिरन नहीं दिख रहा, स्टॉक तो दिख रहा है। ये पेंटेड स्टॉक वो है उधर, पीकॉक है उधर, पीकॉक और पीहन दोनों हैं, पीकॉक और पीहन दोनों हैं इधर। ये देखिए कितने सारे बैठे हुए हैं ऊपर, पेंटेड स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे पानी है इसीलिए। एक जो कविता है वो याद आती है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिजरवध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुल के पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से, लास्ट में उसके है नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो कुल उड़ान में विघ्न न डालो। हर जगह से वो सोच रहे होंगे कि हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, जाली लगी हुई है। नीचे भी देखे कितने सारे बैठे हुए हैं, उधर कोई और चिड़िया भी है, वो क्या है वो सामने, वो डेमसेल क्रेन है, ये डेमसेल क्रेन है, माइग्रेटरी बर्ड है, बहुत ही खूबसूरत सी चिड़िया, जायंट वाइट पेलिकन, सही में जायंट है, बहुत बड़ा साइज है इनका, देखिए। और वहाँ भी पेड़ पे बैठे हैं, ये देखिए सब पेंटेड स्टॉक है ना, सारा स्टॉक बहुत ज़्यादा है, लड़ रहा था दोनों, एक ने आगे दूसरे को भगा दिया, अब वो वहाँ गया है, वहाँ भी देखिए लड़ाई होने वाली है वहाँ। ये देखिए डेमोसेल क्रेन और डेमसेल क्रेन और पेंटेड स्टॉक,
बहुत ही प्यारा सा दोनों। और क्रेन ने स्टॉक को भगा दिया क्योंकि वो उनकी बाड़े में आया था। और यहाँ ये अंदर भी घुसे हुए हैं। यहाँ पे है वाइट पीकॉक, ये देखिए वाइट पीकॉक है। ये इन्हें नज़दीक से देख लीजिए, जू धमसल अपने आप को दिखला भी रहे हैं ये। ये है कुम डक, एक बार ब्लैक बक, सामने है चीतल। कितनी सुंदर है बगा इकड़े। ये भी है, यहाँ पे उतार रहे हैं। ये रेप्टाइल्स का है। ये हम रेप्टाइल पार्क में आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ क्या है। चलो ये देखिए, ये है अजगर। ये है इगुआना, बाहर की स्पीसीज है ये। और ये देखिए हमारे कछुआ भाई, रेड ईयर स्लाइडर। ये देखिए दो तो हमें देख के नीचे कूद गए। ये दो हैं सामने। स्टार टर्टल्स यहाँ ये अपना काम उठा रहे हैं। कैसे आए वो लगा देते हैं ये पहचानिए। ये देखिए रसल वाइपर, रसल वाइपर जो काट। यहाँ हमें दिख रहा है वाइट रॉयल बंगाल टाइगर, देख सकते हैं बैठा हुआ है नीचे, तो उसका सर दिख रहा है, पूरा शरीर नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत शानदार तरीके से बैठा, बहुत बिल्कुल अलर्ट है, बहुत खूबसूरत भी है। और यहाँ पर है लायन जो कि हम देख करके आ रहे हैं अभी झील से, हमारे बिल्कुल सामने आ गया था खुले में। और यहाँ देखिए ये बैठने की जगह तलाश रहा है, उसे पानी में जाना भी है नहीं भी जाना है कुछ समझ नहीं पा रहा है। बैठा हुआ था और हम लोगों को देख करके चलने लगा। ये बड़ी अच्छी बात है। अब ये डर रहा है बाहर अंदर जाने से, क्यों डर रहा है मालूम नहीं। और ये फिर से वापस इधर आ गया, गर्मी के कारण उसे जाना तो है ज़रूर पानी में, लेकिन किसी कारण से डर रहा है। वापस चल पड़े हैं, फिर से हमने बस ले ली है और एक बस ली जो कि सफारी से आई बस पार्किंग का, और बस पार्किंग से हम जा रहे हैं कार पार्किंग तक। व्यवस्था अच्छी है, जल्दी जल्दी मिलती हैं। और सफारी के अंदर भी जो गाड़ी आ रही थी उसमें भी अच्छा क्यू लगा करके और बिठा रहे थे, कोई भागा दौड़ी नहीं थी, तो उस तरह से यहाँ पे काफ़ी सिस्टमेटिक है सब कुछ। अब पार्किंग पहुँच जाएँ फिर कार लेंगे और हम वापस अपने रास्ते पे चलेंगे। बीच में कहीं हुआ तो कुछ खा पी भी लेंगे, क्योंकि सुबह जो नाश्ता किया था उसके बाद हमने कुछ खाया नहीं है। अब हम वापस चले हैं अहमदाबाद की ओर, वहाँ से हमें गाड़ी पकड़नी है। टाइम लगेगा अभी थोड़ा, वही 4 घंटे लगेंगे जो आने के समय लगे थे। रात में गाड़ी 12 बजे है, तो रात में कहीं खाना खाएंगे, फिर स्टेशन पे ही रुकेंगे, गाड़ी यहीं से खुलती है।
की बात नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी आपको वेटिंग रूम दिखलाया, तो हम अहमदाबाद स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, बल्कि 9:30 बजे ही पहुंच चुके थे और अब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी ट्रेन 12:35 पर यहीं से खुलती है और अभी बज रहे हैं करीब 9:45, तो हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना है अभी ट्रेन का, 2 घंटे तो बैठे रहना है। और चूँकि यहीं से खुलती है तो ट्रेन थोड़ा पहले लग जाएगी। आज सुबह निकले थे 7:30 बजे और उस समय से हम घूम ही रहे हैं और अभी आके यहाँ पे बस कुर्सी पे बैठे हैं और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो मक्खी मार रहे हैं, इंतज़ार में बैठे हैं। गुजरात का ट्रिप यहाँ पे हमारा समाप्त होता है, यहाँ से अब हम जाएंगे भोपाल। तो गुजरात के व्लॉग्स को मैं एंड करूँगी, ट्रेन पे बैठ के एक बार आपको और गुड बाई कर दूँगी, लेकिन यहाँ पे एंड होगा। इसके बाद मैं शुरू करूँगी रिव्यूज़, जो हमारी धारणा बनी है, जो हमारा इम्प्रेशन बना है, जितनी जगह गए हैं वहाँ पे क्या कमियाँ थी, क्या अच्छाइयाँ थी, इनका एक समराइज्ड रूप मैं आप लोगों को दूंगी हर जगह के हिसाब से। पर अभी तो फ़िलहाल के लिए छोटा सा भाई बड़ा भाई ट्रेन से, बाय बाय। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और ट्रेन खुल भी गई है। अभी 1:10 है और ट्रेन में आने के बाद थोड़ा सा बुरा अनुभव रहा गुजरात का, आखिर में भी जो हमारे को ट्रैवलर हैं वो थोड़े बदतमीज़ से निकल गए, तो अभी तो थोड़ा मूड ऐसे ही ऑफ है। बाय बाय कहती हूँ मैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अभी के लिए फाइनली गुड नाइट, और कल शाम में हम भोपाल पहुँच जाएंगे, फिर मैं आगे के व्लॉग्स कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।